गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? क्लास सेकेंड, पेज नंबर 7, पार्ट 2, लालच बुरी बला है। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि एक बूढ़ा आदमी है और एक मोहन नाम का लड़का और उसकी बेटी। यह बूढ़ा आदमी एक गांव में चला आता है। उस गांव में मोहन नाम का लड़का एक झोपड़ी में रहता है। उसमें उसकी बेटी एक गीत गा रही थी। वह गीत की आवाज़ बड़ी मीठी और प्यारी थी। ये सुनकर ये बूढ़ा आदमी वहीं पर रुक गया और वह झोपड़ी के अंदर जाकर उस लड़की को शाबाशी दी और ये सोने की मोहर दी। उस लड़की का पिता बड़ा ही लालची था, उसका नाम मोहन था। अब हम आगे पढ़ेंगे। जब कहा, बूढ़े आदमी ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे टकसाल कारखाने में चलो, मैं आपको 100 मोहरे दूंगा। उसके आगे हम पढ़ेंगे, 100 मोहरे, तुम सचमुच कोई भले आदमी हो। तब मोहन लालच में बोलने लगा उस बूढ़े आदमी को कि तुम सचमुच में यानी सही में एक कोई भले आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि बहुत लालची था। और बूढ़े आदमी ने उनको बताया कि मैं आपको 100 मोहरे दे सकता हूँ। आगे देखते हैं कि कितनी दूर है तुम्हारा घर। फिर चलते चलते मोहन ने पूछा उस आदमी से कि कितना दूर है आपका घर। 1000 कोस हो तो भी मैं 100 मोहरे के लिए वहाँ तक चल सकता हूँ। तब मोहन ने कहा कि अगर आपका घर 1000 कोस दूर होगा तो भी मैं उस 100 मोहरे के लिए आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मोहन खुशी से पागल हो रहा था। मोहन बहुत ही लालची आदमी था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था उस 100 मोहरे के लालच में। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा मोहन से कि भाई, 1000 कोस की तो नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा। कितना कोस दूर था उनका घर? 3 कोस। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बूढ़े आदमी ने कहा कि अब घर कितना दूर है? 3 कोस। मोहन ने बूढ़े आदमी को वह सोने की मोहर लौटा दी। मोहन ने बूढ़े आदमी को क्या किया, वो सोने की मोहर लौटा दी, क्योंकि उसको 100 मोहरे चाहिए थी। उन्होंने एक मोहर दी थी वह लौटा दी और फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह बूढ़े आदमी के साथ साथ चला। मोहन चला जा रहा था, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। किस बात की खुशी थी उन्हें कि 100 मोहरे और मिलेगी। चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुंच गए। चलते चलते वह दोनों कहाँ पहुँचे? गांव के नगर में एक राजा का महल था, वहाँ पहुँचे। बूढ़े आदमी को महल के सिंह द्वार की ओर जाते देख मोहन पूछा, बूढ़ा आदमी किस ओर जा रहा था? महल के सिंह द्वार होता है, वहाँ से जा रहा था। तो मोहन ने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? ये तो राजा का महल है। तब मोहन ने बूढ़े आदमी से कहा कि आप इस साइड से या इधर से क्यों जा रहे हैं? ये तो कोई राजा का महल है। हाँ हाँ, ये मेरा घर है, बूढ़े ने कहा। तब बूढ़े आदमी ने क्या रिप्लाई किया कि ये तो मेरा ही घर है। वो राजा का महल था जो उस बूढ़े आदमी का था, बोला कि हाँ हाँ, ये मेरा ही घर है। मोहन ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े की ओर देखा। मोहन क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने ध्यान से एकटक होकर उधर बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वह एकदम पहचान गया, बूढ़ा और कोई नहीं नगरी का राजा ही था। तो मोहन को समझ में आ गया कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, वह एक इसी महल का राजा है। मोहन को काटो तो खून नहीं, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मतलब उसको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था कि अब वह उस बूढ़े आदमी से और क्या कहे। ये देखकर राजा ने नम्रता से कहा, राजा बड़ा ही स्वभावी दयालु था। उन्होंने नम्रता से कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता हो। क्या कहा?
कि गाने में जो कोयल की आवाज़ होती है बहुत ही मधुर होती है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी गाना गाती है, उसकी वो आवाज़ कैसी है, कोयल से भी मधुर आवाज़ है। तेरी बेटी के गाने से मुझे दो पल के लिए आनंद आया। बूढ़े ने कहा कि तेरी बेटी ने जो गाना गाया उसे मुझे दो पल के लिए आनंद आया, इसके बदले में मैं 100 मोहरे का वादा करके क्या मैंने तुम्हें घड़ी भर का आनंद नहीं दिया। तो उन्होंने, बूढ़ा आदमी बहुत समझदार था, उन्होंने मोहन की लालच को पहचान कर कहा कि तेरी बेटी ने गाना गा के मुझे दो पल के लिए खुश किया, मैंने तुम्हें 100 मोहरे देकर घड़ी भर के लिए भी आनंद दिया है। खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको निराशा हुई और ये उचित ही है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से अपना सा मुंह लेकर। मोहन को वापस लौटना पड़ा। इस तरह इस कहानी पाठ का नाम है लालच बुरी बला है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।